अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जस्ट क्रिकेट। क्वेटा ग्लैडिएटर इस वक्त मुश्किलात का शिकार है क्योंकि 60 रन चाहिए और सिर्फ 24 गेंद बाकी है। एक बड़ा टोटल दिया पेशावर जर्मी ने 185 का, जिसमें जो सेकंड लास्ट हुआ था वो बड़ा क्रूशल था, जहां सोहेल तनवीर को 27 रन पड़े और कटिंग ने 4 छक्के उस ओवर में मारे, जिसकी वजह से 185 का टोटल किया पेशावर जर्मी ने। और शुरू से ही जो डिपेंडेंसी थी क्वेटा ग्लैडिएटर की वो बहुत ज्यादा थी जेसन रॉय पे, जो आज जल्दी आउट हो गए और अब 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे स्कोर हो चुका है 127, यानी कि 24 गेंद इस वक्त बाकी है और स्कोर चाहिए 59। तो इंजी भाई लग 4 हो गया एज वी स्पीक, एक 4 मारा है इस वक्त। आपको लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर अभी भी गेम में है? दो बड़े अच्छे चेज इन्होंने किए थे, एक जिसमें जेसन रॉय ने स्कोर किया और फिर सरफराज नीचे आके स्कोर किया। देखिए, अगर कल का भी मैच देखा जाए तो वहाँ भी 5-6 आउट होने के बाद उन्होंने 15 रन की एवरेज कराची वाले चेज कर रहे अच्छा थे कि एक अच्छा कम बैक किया। तो T20 में ना किसी भी टाइम आप ये नहीं कह सकते कि जी मैच ख़त्म हो गया, जब तक अगर आखिरी बॉल ना हो जाए ना तो आप नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल में कि जी डिपेंड करता है कि जी। और दूसरी चीज़, आज पहला दिन है जो देखने में मिल रहा है कि पहली इनिंग से ना बॉल वेट हो रहा है, और मैं ये कहूँगा कि जितना बॉल वेट हो रहा था पहली इनिंग से, तो ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था। कि क्वेटा लोगों की सिर्फ प्रॉब्लम ये है वो एक जेसन राय पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। जिस टाइम आप एक प्लेयर पे डिपेंड करते हैं तो आप है ना कोई मैच तो जीत सकते हैं लेकिन इवेंट जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल की चीज़ है। हालांकि ओवरऑल दूसरे भी अच्छे प्लेयर हैं लेकिन जेसन राय की वजह से ना ये थोड़े से और आज आप जो कह रहे हैं कि वेट फैक्टर था, बॉल गीला हो रहा था। नूर को हमने देखा, अफगानिस्तान के बड़े अच्छे यंग बॉलर हैं, वो भी ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, बॉल उनका जो है लाइन और लेंथ पर नहीं जा रहा था, वो एक मेरे ख्याल से इसी वजह से था। नहीं, बॉल बहुत ज़्यादा, ये पहला दिन था। हालांकि हमने सुबह भी बात की थी इस चीज़ पर, इससे पहले कल तक इतना नहीं दिख रहा था कि जी ओस है या कोई चीज़ है, लेकिन आज है ना कि हमें दिख रहा है कि जी बहुत ज़्यादा है ना ओस पड़ी है, कि जी बॉल वेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे फास्ट बॉलर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यॉर्कर्स नहीं लग रहे। अगर आप वहाब रियाज का भी बॉलिंग देखें तो उस तरह कंट्रोल नहीं है वहाब रियाज को भी जिस तरह ये करता है यूजली, तो मुश्किल हो रही है इस चीज़ की। राइट, और स्मिथ अभी तक विकेट पर खड़े हुए हैं। पहले मैच में जो क्वेटा का था इस टूर्नामेंट में PSL 7 में 97 स्कोर किया था और उसके बाद 130 भी उन्होंने बनाया था कराची किंग्स की तरफ से, वो विकेट पर खड़े हुए हैं। और जैसे इंजी भाई कह रहे हैं कि जब तक T20 में आखिरी बॉल हो नहीं जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। एक क्विक कॉमेंट जरा हारिस पे कर दीजिए, पेशावर जर्मी के नए प्लेयर, यंग प्लेयर, पिछले मैच में भी अच्छा स्कोर किया 40s में किया, आज भी बड़ा एग्रेसिव खेलते हुए नजर आया, बड़े निडर प्लेयर है, बिला खौफ खेलते हैं। मैं बड़ी खुशी हुई है मुझे एक चीज़ देख के कि जिस तरह ये हारिस खेल रहा है, कराची की तरफ से कासिम ने खेला था और उसने बॉलिंग भी की थी, एक वो लड़का था अपना जीशान फास्ट बॉलर्स, ये तीनों अंडर 19 से आए हैं और तीनों का जो सा टैलेंट है और टेम्परामेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है तीनों का। तो बड़ी खुशी हुई मुझे देख के, और स्पेशली वो लड़का जिसने कल है ना बेचारे एक ओवर में ही अनफिट हो गया, लेकिन उसने PSL 7 की बेस्ट बॉल की थी जो कल उसने बाबर आजम को की है। हाँ, तो वो बेस्ट बॉल थी मेरे ख्याल में। तो मैंने कहा ये लड़के बड़े अच्छे हैं, ये भी बड़ा अच्छा है क्योंकि जी पहली दफ़ा आप अंडर 19 से आए हैं, इतने बड़े फॉर्मेट पे खेल रहे हैं और आप बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना तो उनका ये वाला कॉन्फिडेंस लेवल है। एंड नॉट टू फॉरगेट नसीम शाह, जिन्होंने आज 4 विकेट लिए और सिर्फ 27 रन दिए, बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इंजी भाई, जैसे आप लेजेंड हैं क्रिकेट की दुनिया के, एक और लिविंग लेजेंड आज हमारे साथ मौजूद है, पिछली 5 दिहाइयों से हमें इंटरटेन करते हुए आ रहे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुके हैं और मेरे साथ वो मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि बैरोज सबजवारी साहब आज हमारे साथ हैं। बैरोज साहब कैसे हैं? इज्जत बख्शी आपने हमें आकर। नहीं, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका वो जवाब दे दूं मैं, कैसे हैं आप जी? तो मैं बहुत प्यारा हूँ माशाल्लाह। ऐसे ही रहे, अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और इज्जत तो जियो ने बख्शी है भाई, अल्लाह ताला इतना जबरदस्त। सर हम तो आपको बहुत पहले बुलाना चाह रहे थे लेकिन मसला ये है कि इतने सारे स्टार्स हैं आपकी फैमिली में, पहले साले साहब को बुलाए जी, फिर भतीजा आए जी, फिर भतीजी आई जी, फिर बेटा आया जी, फिर बहू आई जी, तो मतलब काफी सारे स्टार्स माशाल्लाह आपकी फैमिली में अभी है। रहते दो चार, अभी दो चार रहते हैं, इसीलिए अगले सीजन करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, हमने तो एक मखसूस बजट रख लिया आपकी फैमिली के लिए। बहुत शुक्रिया। तो कैसा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हो? मैं जाहिर है आई एम ए कराची आइट, तो मैं कराची किंग को सपोर्ट कर रहा था। हाँ। लेकिन आप यकीन करें कि कराची किंग की परफॉर्मेंस इतनी पुअर थी, दिल तोड़ दिया भाई जी, कि मैंने एक मैच नहीं देखा उसके बाद। ओहो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इतने डिसअपॉइंटेड है आप? डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मजा नहीं आया। हाँ, वैसे सही कह रहे, गेम खेला, ईमानदारी की है जी जी,
बिल्कुल अच्छा नहीं खेल सके, वो मजा खत्म हो गया जी। तो कोई क्वालिटी ऑफ प्लेस भी नहीं नजर आई, पता नहीं सिलेक्शन उनकी अजीब सी होता है ना। आप खेल के हार जाए कोई मसला नहीं, एफर्टलेस बिल्कुल कोई मकसद है ना, बॉलिंग में ना बैटिंग में ना फील्डिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मुझे ये उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि अंदर से कुछ आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, सियासत हो रही है, वट एवर, मैं तो सियासत नहीं कहूंगा, सियासत हो रही है क्योंकि नहीं मैं सियासत नहीं कहूंगा। देखिए एक सियासतदान बैठी है, दो है आज सियासतदान, दो है हमारे साथ। हाँ दूसरी कौन है? दूसरी मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, लेकिन पहले जो आपके साथ है और हमारी मेहमान जो 500 की दौड़ भी खेलेंगी, एंटरप्रेन्योर है, फैशन डिजाइनर है, सियासतदान है, एमपी है पंजाब असेंबली से, हिना परवेज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच जियो ने स्पेशली मुझे बुलाया, और मैं फर्स्ट टाइम किसी शो के लिए इस तरह कराची आई हूँ। थैंक यू सो मच, हमारी खुशनसीबी आप हमारे साथ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और सिर्फ सियासतदान नहीं है, निडर सियासतदान है जो अपनी लीडरशिप का बड़ा डट के दिफा करती हैं, चाहे वो ट्विटर हो या टीवी पर हो। मैं वही कह रही हूँ कि बेरोस अब्जवारी साहब ने बड़ी बात की कि कराची किंग्स जो है वो कोशिश कर रहा है लेकिन खेल नहीं रहा। उनका वही हाल है जो इमरान खान साहब का हाल है। हमारी तो लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी ना डर और करेजियस खातून है। हम तो अर्तुरुल है, फौरन सियासी बयान दाग दिया, ये है अकलमंद सियासी। कोई मौका नहीं इंसान, इंसी भाई ने कहा ना कि आखिरी गेंद तक पता नहीं होता। तो इमरान खान साहब का जो अब हाल हो गया है कि मोना सनाई साहब भी उनको तसल्लियां दे रही है कि घबराना नहीं है, तो आखिरी गेंद बस आने वाली है। आपको नहीं लगता कल उस बयान के बाद घबराहट कम हुई है हुकूमत की थोड़ी सी? लगता नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी घबराहट बढ़ गई है। अच्छा। इमरान खान साहब की भी घबराहट जो है वो बढ़ती जा रही है और आगे आगे देखें। अभी तो ये ऐसे ही घबराहट में 5 साल तो निकाल देंगे लगता है। बस यही मुश्किल, ये मार्च निकालेंगे, मुश्किल है कि मार्च निकालेंगे इंशाल्लाह। मतलब पीडीएम मुश्किल है मार्च निकालेंगे या इमरान खान मुश्किल है मार्च निकालेंगे? इमरान खान मुश्किल है कि मार्च निकाले। अच्छा इमरान खान मुश्किल है क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो आप लोग कोशिश करें कि मार्च निकले, वो मार्च निकल नहीं पा रहे। इस दफा सब बहुत सीरियस है। सीरियस है, 23 तारीख को मार्च होगा पीडीएम का। बस देखिए उससे पहले शायद नो कॉन्फिडेंस आ जाए, उससे पहले कोई। अभी तो पंजाब के भी काम हो रहा है होमवर्क। कौन कौन है पीटीआई का जो आपको लगता है कि आके सपोर्ट कर देगा पंजाब? नाम नहीं बता सकते लेकिन पीटीआई में कोई 29 पीटीआई के एमपीएस हैं। अच्छा। पंजाब में और 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से रابطे में हैं। हाँ। तो लेट्स सी, होमवर्क कंप्लीट है। और आपको पता है जहांगीर खान तरीन का भी आज ग्रुप एक मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, अनकरीब होनी है। मुलाकात अभी नहीं हुई लेकिन ऐसा ग्रुप सामने आया है जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है एंड देयर नॉट हैप्पी विद। सही, लेकिन देखिए खिलाड़ी तो इमरान खान बड़े थे, क्रिकेटर आपके फेवरेट थे? कोई शक नहीं है। आपके फेवरेट रहे? देखिए वो बता रहे, क्रिकेटर पूछ रहा हूँ मैं, सच बताइएगा। देखिए सियासी सवाल नहीं है, गैर सियासी सवाल है। देखिए व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो इमरान खान साहब को अगर हम एज अ क्रिकेटर देखते या देखते तो वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने वर्ल्ड कप हमारे पे बड़ा भारी पड़ा। उन्होंने क्रिकेटर इज अ क्रिकेटर, एक्टर इज अ एक्टर, बट यू कैन नॉट रिप्लेस अ एक्टर फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। देखिए मैं आपको, आई थिंक दैट इज द रॉन्ग। मैं आपको फ्री हैंड नहीं दे सकता, आपने बड़ी बातें की तो हमने फिर पीटीआई की नुमाइंदगी भी अपने प्रोग्राम में रखी है। मैं चाहूंगा कि आपा आज हमारे साथ मौजूद है। आपा थैंक यू वेरी मच। आपा बड़े इन्होंने जो है तीर चला दिया आपकी पार्टी पर और इमरान खान पर। फिरदौस आपा आई हुई है, फिरदौस आपा बैठा, फिरदौस आपा और ये फिरदौस जमाल बैठा हुआ है, क्या हो गया? अच्छा फिरोज सब्जवारी, पहले मेरी वारी फिर बात करते हैं। अच्छा मैं कह रही थी ये पहले मेरा पर्स दिखाना, ये बड़ा मैंने अभी लिया नया। और हिना ये दांत बंद करो निकालना जो है, ये मैंने बड़ी मेहनत से ये मेरा पर्स दिखा दिया। अच्छा शहजाद पहले तो मैं अफसोस करना चाहती हूँ, सुना है आप ठीक नहीं थे जी, तो अल्लाह का शुक्र आप बेहतर हुआ। लेकिन ये तो सारा पाकिस्तान कहता है कि शहजाद ठीक आदमी नहीं है, तो मैं तो ये समझती हूँ, लेकिन मुझे दुख ये है आप इतने अच्छे बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, बीमारी के बाद बिल्कुल इंसुलिन का टीका लग रहे हैं, तो मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा सा। यार आप बीमारों का मजाक उड़ा रही हैं, मैं आपके लिए वो आपकी सियासी हरीफ बैठी हुई है उनसे मुकाबला करें। उनको तो मैं अभी करती हूँ ना, ये पिछले 3 सीजन से यही कुर्ता पहना हुआ है, इनको एक कुर्ता तो डिजाइन करके दे दें, ये जाली आपा जो आती है हमारे। हाय हाय अल्लाह, सेंस तो चेक, आप एंकर क्यों लग गए? जो आपका सेंस है ना छोड़े, किसी महंगी एयरलाइन में एयर होस्टेस बने आपका बड़ा सपोर्ट होगा। जरा आप इमेजिन करें ना, आवाज आ रही खातिन हजरात, हम इस वक्त 7,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहे हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है अपने अपने फासी बंद बांध लें, तो जिन्हें जिन्हें चरस पीनी है पीछे आ गए। ये कौन सी एयरलाइन में ऐसी अनाउंसमेंट होती है? आप जैसे बंदे जिसमें ये जॉगर पहन के आइए तो भाग के आइए, नहीं सियालकोट से या तो भाग कर आइए या भागने की तैयारी है। भागने की
पूछना चाह रही है ना आपसे। मैंने कहा फिरदौस आपा से मेरी लास्ट मुलाकात जो है वो पंजाब असेंबली में हुई थी जब इनको परवेज अली साहब ने अंदर नहीं आने दिया था, वो गेट पे रोक लिया था। बिल्कुल कभी भागना पड़ जाता। अच्छा मैं तो हैरान हूँ आज इनको बचाने वाली मरियम भी इनके साथ नहीं आएगी, वरना तो इनका वही हिसाब है जैसे पकौड़ों के साथ चटनी और फ्राइज के साथ केचप मिलता है। आज ये देख ले अकेली हिना बैठी हुई है। हमारी हमारी मरियम बीवी बड़ी करेजस है और डिफायंस ब्रेवरी शो करती हैं। अभी उनका एक सोशल मीडिया का वर्कर है जिसको किडनैप किया गया, जहां तक कहते हैं उन्होंने अरेस्ट किया गया और उनका फौरी उन्होंने आवाज उठाई। हाँ। तो मैं तो ये कह रही हूँ। अच्छा, लेकिन आप जो है कुर्ते डिजाइन करती हैं, आपने मरियम के लिए भी किए, अपने लिए भी किए जिसमें कभी नवाज शरीफ या मरियम नवाज की तस्वीर होती है, कोई ऐसी भी तो बनाए ना जिसमें फिरदौस आपा की तस्वीर हो। फिरदौस आपा के लिए मैं मियां साहब का कुर्ता बना रही हूँ, मरियम भी। मैं सिर्फ एक मैं बदला ले लूं, इंजमाम जल्दी दौड़ जाते हैं। मैं कह रही हूँ सिर्फ इनको एक बात कह रही हूँ, आपका दोस्त था इमरान, अब उसके जा चुके हुए हैं तो आप उल्टी गिनती गिननी शुरू कर। अच्छा सोचे जरा इंजमाम, अगर उल्टी गिनती गिन रहे हो तो कैसी गिनेंगे? 1-10 जॉनसन 9 और वो अल्लाह 8, ये अल्लाह 7, ये अल्लाह 7। हंसने जी हंसने खुद अपनी इंज भाई आपा आपके नहीं नहीं कैसी बातें कर रही है? आपा से मैं डर रहा हूँ ये मुक्का मार देती है। ये तो है मुझे मार देती है, मैं कुछ कहता नहीं हूँ। नहीं डर के लेकिन आपा क्या इज्जत रही आपकी पार्टी में? पहले आपको वफाक में लाए, वहां से हटाया, पंजाब में लाए, वहां से हटाया, मतलब क्या चक्कर चल रहा है? हाँ तो मैं भी हट, मैं कौन सा, मैं दिल से पीटीआई के साथ नहीं हूँ, आपने देखा होगा परसों। किसके साथ हैं आप फिर? मैं आपको नंबर नहीं है, मैं सीवी सेंड करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अवाम के साथ हूँ, अब से मेरा नाम फिरदौस आशिक अवाम नहीं, फिरदौस आशिक अवाम है। अवाम लीडर तो है। बहरोज समझवारी को देख के कितने कितने माशाल्लाह आज भी वैसे ही है। और इन्हें हम क्या कहें, देखे इनके लिए तो आप अवाम की आवाज नहीं उठा सकती, आप अवाम को ही उठा देंगी। अब मैं घूम रही हूँ इनसे, देखे ना फिर दोबारा जो है ना ये। अच्छा सर क्रिकेट पे आपकी इजाजत हो आप तो जरा वापस आए। इस वक्त 154/6 स्कोर हो चुका है, यानी कि 12 बॉल पे 32 रन चाहिए और सुहेल तनवीर इस वक्त विकेट पर है। 12 बॉल पे 32 रन चाहिए सुहेल तनवीर, जिनको आज एक ओवर में 4 छक्के पड़े थे और 27 रन का वो ओवर था, बड़ा महंगा साबित हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। देखते हैं कि बैटिंग में वो क्या कमबैक कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट पे तो बात होती रहेगी। बैरो साहब बहुत सारे कैरेक्टर्स आप देखिए और माशाल्लाह बड़े वर्सेटाइल किए, लेकिन आज भी जाना जाता है कबाचा के नाम से, तो इसमें एक एक्टर को ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने इतना काम किया लेकिन कबाचा के लोग कबाचा के नाम से लोग जानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं कबाचा जो है वो इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर था कि लोग उसी नाम से जानते हो, वो फ़ख्र की बात है? असल में शहजाद किसी भी एक्टर के लिए उसे कैरेक्टर के हिसाब से पहचाने जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। और 35 years back यानी 35 साल हो गए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये प्राइड है मेरी, वो मैंने अकेले नहीं किया था, पूरी टीम थी उसमें, बहुत जबरदस्त, हसीना आपा, शहजाद खलील प्रोड्यूसर, जमशेद अंसारी, मैं गिन गिन के नाम लूं। बहरोज भाई मुसर्रत नज़ीर ने आपको ट्रिब्यूट भी दिया था, मेरा लॉन्ग कबाचा कितना मशहूर हुआ था उनका। अरे आपा वो गवाचा था यार। तो वो अभी हिना बता रही थी जी नून लीग के बारे में। हाँ हाँ, तो मैं भी इस पूरे मुझे पता है सियासत में आप काफी दिलचस्पी रखते हैं। वैसे नहीं, दिलचस्पी रखनी चाहिए हर पाकिस्तानी को। बिल्कुल बिल्कुल रखनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कहीं जा रहे हैं। ओके जी, 5 साल मुकम्मल? हाँ 5 साल से भी ज्यादा होगा। अच्छा, जो मेरा तजिया वो उसकी वजह है, मेरे पास रीजन है उसका। बताएं बताएं क्या। मैंने खान साहब के साथ शौकत खानम में फंड रेजिंग और टूर भी किए बहुत से, और वो बहुत ईमानदार आदमी, वो एक सच्चा इंसान है, और मुझे ये यकीन है कि सच के साथ अल्लाह होता है। तो आपको लगता है कि अगले 5 साल भी इमरान खान को मिलेंगे क्योंकि वो एक सच्चे इंसान है, ईमानदार? बिल्कुल जी, वो ठीक है, उनके जो साथी हैं। हाँ। अब देखिए आसमान से लोग तो आएंगे नहीं। हाँ। पाकिस्तान के ही लोग आएंगे ना, थोड़ा सफाई होगी, अभी हम प्रोसेस में छननी है, छन रहा है मेरा। अच्छा, ये तो नवाज शरीफ साहब ईमानदार नहीं आपके ख्याल में? नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ मैं,
हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, इस तरह तो आप नाम गिनते जाएं, आप किसी को, हम जज नहीं है इस सिलसिले में, लेकिन जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपका ये कि इमरान खान ईमानदार वो छन, इनका कह रहे थे कि ये छन जाएंगे अभी इनका कह रहे थे कि छन जाएंगे अभी ये, ये दिल में रख के बैठे हुए थे बात, ऐसी गिनती की उल्टी को दिल में रखेंगे ना। अब इनको पता है, ये जानते हैं मैं बोलती कम और कुछ होने ज्यादा मारती। अच्छा देखें, अभी आज एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि 12 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। शाम तक ये चल रहा था कि उस कीमत को मुस्तरद कर दिया, लेकिन 12 रुपए मजीद महंगा हो गया। पता नहीं वापस भाग के जाएगा जॉगर्स पे, उसका पेट्रोल नहीं खर्च कर सकती। उंगली में भैंस का बेलचा पहन रखे, ऐसे माहौल में मैं क्या बात करूं? ये एनजी मुझे बात करने देगा तो मैं करूंगी ना बात। भैंस का बेलचा जो है वो पैसा, आज तो छा गए इंतजाम भाई, आज छा गए सर, बड़े बिटी है, क्रिकेट में छाए हुए थे, छुपे रास्ते में। जी जी, मेरा कुछ कह रहा था बेरोस अफजाई साहब को, बड़े ही इज अ लेजेंड ऑब्वियसली एंड आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम, बट मैं एक बात से डिसएग्री करती हूं कि इमरान खान साहब का अगर 3.5 साल के अंदर आप देख लें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिस तरह 124 से 140 पर कर दी करप्शन इंडेक्स, तो इमरान खान साहब जो है ना कहीं भी सच्चे इंसान नहीं है। चाहे आप आटा चोरी चेक कर लें, चीनी चोरी, अद्वियात चोरी, कोरोना फंड चोरी, सो जनरली ये परसेप्शन, वो जो इनका एक सर्वे था और आप भी बड़े सर्वेस कराते हैं, तो इनका अपना ब्रांड इमेज जो था ना वो लोग अंडर मुतासर हुआ, बिकॉज पीपल डिसएग्री विद दिस फैक्ट दैट ये सादिक और अमीन है, बिकॉज इनको गलत सर्टिफिकेट। मैंने पर्सनैलिटी, इमरान खान की पर्सनैलिटी ना मैंने उनको चीनी चुराते हुए देखा, ना मैंने उनको घी चुराते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सियासत नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पॉइंट्स में शो कर दिया। आपने अभी सियासत का सर्वे भी देखिए, देखिए इनका ये काम है, ये नून लीग और राइट हैंड है ना आप मरियम नवाज। नहीं ऐसी बात नहीं है, राइट लेफ्ट दोनों है, बिल्कुल पाकिस्तानी हूं सबसे पहले, और मुझे सच बिल्कुल बोलना। थोड़ा गेम की तरफ वापस आते हैं, क्रिकेट की तरफ भी वापस आते हैं, और एक ब्रेक के बाद 500 की दौड़ खेलेंगे, देखते हैं कि आप दोनों टॉप 3 में जगह बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो एक गर्मा गर्म सियासी बहस यहां पे हो रही थी, लेकिन एक ब्रेक के बाद भैरव सफजारी और हिना के साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़, हमारे साथ रहिएगा। जनाब वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। पेशावर जलमी 24 रन से मैच जीत चुका है, क्वेटा ग्लैडिएटर अपना अगला मैच यानी आज का मैच हार चुका है, अब उनके लिए क्वालिफाई करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि सेकंड कंसेक्यूटिव डिफीट है उनके लिए। पेन कटिंग की शानदार इनिंग्स की वजह से पेशावर जलमी ने 185 स्कोर किया, 24 रन से वो मैच जीत चुके हैं, लेकिन यहां जो मैच है वो अब शुरू होगा जिसमें हिना परवेज बट और बैरो सब्जवारी हमारे साथ हैं। अगर आप तैयार हैं तो 500 की दौड़ का आगाज करते हैं। मगर दौड़ना पड़ेगा, यही समझ लीजिए, यही समझ लीजिए, जॉगर्स ले ले, जॉगर्स ले ले आप। चलिए जी शुरुआत करते हैं 500 की दौड़। जरा क्विकली दिखा देते हैं कि इस वक्त टॉप 3 में कौन है और देखते हैं कि आप दोनों में से मुकाबला कौन जीतता है और क्या आप दोनों टॉप 3 में जगह बना सकते हैं या नहीं। 460 लेकर अमर खान इस वक्त फर्स्ट पर है, अरीबा 458 और अली अवान 457, तो ये टॉप 3 हमारे हैं। गेम बड़ा सिंपल है बैरो साहब, 5 सवाल हमने पूछने आपसे, हर सवाल पे आप 100 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका जवाब बिल्कुल अवाम के जवाब के बराबर हुआ, जितना फर्क होगा अवाम के जवाब से उतने नंबर आपके माइनस होते रहेंगे। सर्वे के क्वेश्चंस के जवाब अवाम ने पहले ही दे दिए हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो हिना पहले सवाल की तरफ बढ़े। आपने सही अवाम से पूछा था ना, सही सही का मतलब है शहरी आबादी, देहाती आबादी, मर्द औरत बच्चे सब उसमें शामिल है। ठीक है जी, पहले सवाल पे चलते हैं। कितने फीसद मर्द डॉक्टर बीवी चाहते हैं, कितने फीसद मर्द डॉक्टर बीवी चाहते हैं, यानी उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवी डॉक्टर हो। ये उन मर्दों की बात करें जो कि चाहते हैं कि उनकी बीवी किसी ना किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, ठीक, हाउसवाइफ ना हो, तो कितने फीसद ने कहा होगा कि डॉक्टर बीवी उनकी जो है ख्वाहिश है। किसने जवाब देना? आप दोनों ने जवाब देना, अपना अपना जवाब होगा आपका। ओके हाँ जी, आप ना, क्या लगता है? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 20-30%। 20-30% आपको लगता है कि ये ख्वाहिश की होगी लोगों ने कि उनको डॉक्टर बीवी चाहिए। एग्जैक्टली किस परसेंटेज के साथ जाना चाहेंगी? और ये मैं फिर रिपीट कर दूं, उन मर्दों के हवाले से जो के चाहते हैं कि उनकी वर्किंग वाइफ हो, वर्किंग वाइफ के वर्किंग वाइफ डॉक्टर नहीं, वर्किंग वाइफ हो, और उनमें से डॉक्टर कितने लोगों ने कहा? आसान करके बता देती हूं, जो चाहें कि उनकी बीवी डॉक्टर और हूरों वाला टीका भी लगाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं यहां। हां डॉक्टर साहब, क्या बात है, साहब मौजूद हैं। आई थिंक कि प्रोफेशनल अगर कैटेगरी करें तो आई थिंक दैट विल बी हायर परसेंटेज ऑफ पीपल हु वांट देयर वाइफ
I think that will be around 35%. हाँ. Okay. भैरव साहब 20% आपको लगता है कि मर्दों की ये ख्वाहिश है कि उनकी बीवी डॉक्टर हो. 20% फाइनल आंसर. फाइनल आंसर है ना. आई थिंक मेरा 30 कर. वो और नहीं जाएंगे आप और नहीं जा देंगे. चले जी, भैरव साहब का जवाब है 20%, हिना का जवाब है 30%. अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है, कितने फीसद मर्द डॉक्टर बीवी चाहते हैं. 20% पे भैरव साहब का बार रुक चुका है, 30% पे बार रुक चुका है हिना परवेज का, और जवाब है 44%. 44% पाकिस्तान में अक्सर मर्दों की यह ख्वाहिश होती है कि अगर उनकी बीवी किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हो तो वो डॉक्टर हो. और अनफॉर्चुनेट बात यह, जिसका एक इश्तेहार भी आजकल चल रहा है, कि 77% खवातीन जो डॉक्टर होती हैं वो शादी के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकती. जी हाँ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. You know, we were trying to put this condition जब हम कर रहे थे कि जो at least 2 years work करे ख्वातीन जो doctors करती हैं. So I think it's a very good survey कि आपके जो मर्द भी हैं वो overall progressive इमेज शो करते हैं कि अगर ख्वातीन जो है वो प्रोफेशनल एंड डॉक्टर स्पेशली कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं. कितने पैसे लगते हैं डॉक्टर बनने में. बिल्कुल, मेहनत, पैसा, एंड गिविंग बैक टू योर कंट्री, गिविंग बैक टू योर, आप घर बैठ गए. एब्सोल्युटली. अगले सवाल में बढ़ते हैं. इस सवाल के जवाब में हिना ने आपसे बेहतर खेला है बिरो साहब. अगला सवाल है, कितने फीसद लोग पैसे जमा करने के लिए कमेटी डालते हैं. कितने फीसद लोग पैसा जमा करने के लिए कमेटी डालते हैं. मुझे तो आधा सियालकोट कमेटियां खाने वाली माई समझता है. आपको किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे फिर. आप अनस्टैंडिंग कमेटी का बनूंगी. हाँ, स्टैंडिंग कमेटी. जी हिना, चले टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं. पहले भैरव साहब आपका जवाब, कितने फीसद लोग पैसा जमा करने के लिए कमेटी डालते हैं. I think 65%. 65%? हिना आपका क्या जवाब है? I think 50 या 55? 55. श्योर? भैरव साहब श्योर? श्योर. ओके जी, 65% पे बार रोक दीजिए भैरव सब्जारी के लिए. और हिना परवेज का जवाब है 55%. अब देखना यह है कि बार कहां पे जाके रुकता है, ये टीवी पे आप देख सकते हैं कि नतीजा क्या होगा, किसका जवाब अवाम के जवाब से ज्यादा करीब है. आंसर है 64%. 64%, वेरी वेल प्लेड. सिर्फ 1% आप दूर थे, यानी कि 99 नंबर आपको मिलेंगे इस सवाल के जवाब में. बिना नॉट बैड 55 और 64 में भी ज्यादा फर्क नहीं है, 9% का फर्क है, यानी कि 91 आपको मिलेंगे इस सवाल के जवाब में. टोटल स्कोर आपका हो चुका है हिना 177 और बेरोज साहब का स्कोर है 175. क्लोज है मुकाबला, क्लोज. मुकाबला सख्त है और दोनों फर्स्ट पोजीशन आने की इस वक्त पोजीशन में भी हैं. तो तीसरे सवाल पे चलें, इजाजत. जी बिस्मिल्लाह. ओके, कितने फीसद लोग कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते हैं. अपनी ख्वाहिश में ना जाइएगा, अब पहले जवाब इनसे लीजिए. पाकिस्तान का जरा सोचिए, कितने फीसद लोग कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करते हैं. हिंट तो दे, आप हिंट देना हमें. आप बताइए, चाय या कॉफी. आप बताएं, आप भट हैं, वो दाल चावल खाना पीना ये कढ़ाइयां आपका काम है, बताएं चाय या कॉफी. मेरे लिए तो चाय पसंद करती हूँ, बट आई थिंक आवाम भी ज्यादा चाय. मैंने तो कॉफी पी है अभी. आपने कॉफी पी है, ओके, लेकिन आवाम का जरा सोचें. जी जी, मैं आवाम का सोच रहा हूँ, ये भी आवाम का सोच रही है, सियासतदान है. बताइए क्या लगता है आपको. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा. 65% लोग जो है वो कॉफी पसंद करते हैं. आपने कॉफी का बताना, चाय पसंद, सॉरी चाय पसंद करते हैं. 65%. ओके भैरव साहब, 90% लोग चाय पसंद करते हैं, आपका ख्याल है. जी, फाइनल आंसर. फाइनल है ना, फाइनल आंसर 65%. 70 कर दें. 70 कर दें. चलें, वो भैरव सब्जारी साहब को देखे तो आ गई है, 70% पर आ गई है. बट 90% जवाब है भैरव साहब का. 90%, दैट्स अ ह्यूज नंबर. वो समझते हैं कि चाय ज्यादा लोग पसंद करते हैं और बेहद पसंद करते हैं. 90% उनका जवाब है. देखते हैं कि आवाम का क्या जवाब है. बार चलना शुरू हो चुका है, अब देखते हैं ये कहां जाकर रुकता है. 86%. वेल डन भैरव साहब, वेरी वेल डन. मेरे ख्याल से आवाम की नफ्स में इनका भी हाथ है. कॉफी तो ज्यादातर आपको पता है कि अर्बन एरियाज में जो पढ़े लिखा तबका या अमीर तबका है उनकी ज्यादा वो होता है, एक आम आदमी तो जो है चाय पे ही गुजारा कर रहा है. पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं. तो लेकिन चाय, एक आम आदमी जो है वो ज्यादातर चाय तो चाय है. चाय तो चाय है.
माजद, तो स्कोर्स हो चुके हैं 271 बैरो साहब आपका स्कोर है और 261 हिना आपका स्कोर है, यानी कि आप अब माजद इस दौड़ में आगे निकल चुके हैं। चौथा सवाल, अच्छा एक बात तो बताइए, मरियम साहिबा की अक्सर हम पिक्चर देखते हैं, जब भी वो निकल रही होती है उस कप में क्या होता है, मग में क्या होता है उसमें? यहाँ पे भी पकड़ा हुआ उन्होंने, चाय है, कॉफी है, जूस है, क्या है इसमें? इसमें ये देखें, कॉफी होती है। कॉफी होती है, ये एक सवाल है हमारा? नहीं वैसे नहीं, नहीं वैसे पूछ इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने कहा शायद सवाल है। नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन के लिए। कॉफी कॉफी पीती हूं। कौन सी? लाटे, कैपेचिनो, आइडिया? अमेरिकानो। अमेरिकानो ब्लैक कॉफी विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क। ब्लैक कॉफी विद लिटिल बिट ऑफ मिल्क। ओके, तो ब्लैक कहां से हुई? अमेरिकानो विद मिल्क। सांवली कॉफी, कम दूध के साथ। ये मरियम बीबी को पता होगा, मैं तो अब तुक्का लगा रही हूं। हां, आई थिंक शी हैज अमेरिकानो। अच्छा नहीं, वैसे आप इतना करीब है, मैंने कहा शायद आपको पता हो। नहीं तो हो सकता है उन्होंने 500 का खुला इसमें जमा करती हो। हम लोग बड़े लोग हैं ना, उनसे लोग मांग सकते हैं। अपने स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, 500 का खुला। चले जी, चौथा सवाल, कितने फीसद लोग अक्सर फटे हुए मोजे पहन लेते हैं? कितने फीसद लोग अक्सर फटे हुए मोजे पहन लेते हैं? कभी ना कभी तो मैंने भी पहने, इनके तो हमेशा से ही फटे हुए होते हैं। क्या हाथ होती है तो मेरे साहब, कभी इत्तेफाक हुआ है फटे हुए थोड़ा सा सुराख हो, चलो चला लेते काम का? बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा हुआ है, क्योंकि उससे कोई आपकी शान में फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तो कितने फीसद लोग आपको लगता है कि अक्सर, अक्सर सवाल है, अक्सर फटे हुए मोजे पहन लेते हैं? हिना, मैं तो पहन लेती हूँ, तो आई थिंक पहन लेती हैं आप? जब आप बाल जेल बैक कर लेते हैं ना, तो आप भी फटे हुए मोजे में से निकले हुए मूठे लगते हैं। क्या फजूल बात करी, चले जवाब दे। फजूल आपा, क्या हो गया आपको? आपा सॉरी सॉरी भरोसा, जब से आपको हटाया गया आप फारिग। अजीब बातें करेंगे, चले जी जवाब के मुंतजर। अक्सर, अक्सर पे जरा फोकस कीजिए, कितने फीसद लोग अक्सर फटे हुए मोजे पहन लेते? ये नहीं कि मतलब एक आध दो दफा पहन लिए, अक्सर पहन लेते। जल्दी से तो उनसे चलो, बैरो साहब आप आपकी तरफ इशारा हो, कह रहे हैं मैं अभी आई कांट, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं, आप पहले पहले आप पहले आप पहले आप में प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, फटे हुए मोजे पहनने का एक फायदा है, फ्री मूवमेंट पर यकीन रखना है, आजादी, टाइम भी जा सकता है। चलिए जी, टाइम हमारे पास कम रह जाएगा। 70% अक्सर पहन लेते। ओके जी, आई थिंक 50% मेरे साहब 70% अक्सर पहन लेते होंगे। जी जी, अच्छा ओके, और आपका जवाब 50%। ओके, दोनों का जवाब काफी हाई साइड पर है, तो जवाब रोक दीजिए। 70% है बैरो सब्जवारी साहब का जवाब और 50% है हिना का जवाब। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम के जवाब से ज्यादा करीब तर है। बाढ़ चलना शुरू हो चुका है। 38% अक्सर जो लोग हैं वो पहन लेते हैं, इक्का दुक्का दफा तो चले सब नहीं पहना होगा, लेकिन आपका जवाब करीब था, 50% आपने कहा था, 12% का फर्क है, यानी कि आपने बड़ा अच्छा कमबैक किया है चौथे सवाल में। जरा स्कोर हमें बता दीजिए, 10 पॉइंट की लीड थी सवाल से पहले बैरो सब्जारी साहब की, और हम बताते हैं कि स्कोर क्या है जब तक आखिरी सवाल पे चलते हैं, टाइम कम रह गया है, जल्दी से पूछूंगा। कितने फीसद लोग समझते हैं मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर सियासतदान है? कितने फीसद लोग समझते हैं मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर सियासतदान है? ये जवाब तो मेरे ख्याल से पहले हिना की तरफ से आना चाहिए। उसूलन क्योंकि मैंने आपका पिछला शो देखा है, वैसे मुझे लगता है कि मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब दोनों दे आर लीडिंग पॉलिटिशियंस इन देयर ओन वे। शहबाज शरीफ साहब ने ऑब्वियसली पंजाब में बड़ा काम किया, मरियम बीबी करेजियस ब्रेव लीडर। तो आई थिंक जो लास्ट आंसर था और मिफ्ता साहब का बड़ा पॉपुलर हुआ था, तो आई थिंक वो 45-50, पर मैं समझती हूँ कि 100% मतलब बोथ आर गुड लीडर्स इन देयर ओन, वन हैज टू बी बेटर देन द अदर। सो अवाम का तो आंसर, अवाम का जवाब क्या है? अवाम का तो 35 था लास्ट सर्वे में, 40
था वो था वजीर आजम कौन होगा नू लीग से क्लोज yes, इससे yes. करीब तर सवाल था सो कितने फीसद लोग समझते हैं मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर सियासतदान है मुश्किल सवाल है आपके लिए 50% मिफ्ता साहब ने भी किया था सेफ किया था उन्होंने कहा 50% ताकि ना मरियम नाराज हो ना शहबाज शरीफ नाराज की बात नहीं है ऑब्वियसली मरियम बीबी इज कम शी इज वेरी पॉपुलर शी इज अ डिफाइंट लीडर शहबाज शरीफ सीनियर इज पार्टी प्रेसिडेंट सो ऑब्वियसली बोथ आर इन देयर ओन कैपेसिटी आर डिफरेंट तो 50% आपका जवाब है बेरो साहब 25% ओके फैसला कुन सवाल है डिसाइड करेगा कि आप दोनों में से कौन गेम जीता है लेकिन इसीलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं ब्रेक के बाद तो एक ब्रेक के बाद जस्ट क्रिकेट में दोबारा हाजिर होंगे 500 की दौड़ का मुकाबला आज कौन जीता है जनाब वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट हमारा आखिरी सवाल था 500 की दौड़ का कि कितने फीसद लोग समझते हैं मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर सियासतदान है हिना का जवाब था 50% आपका जवाब था बैरो साहब 25% देखते हैं कि आवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब आवाम से करीब है 35% इज द आंसर और ये सवाल में तो आप आगे निकल गए हैं लेकिन फाइनल नतीजा क्या है ये हम आपको बताते हैं 434 हासिल किए हैं हिना ने तो आज हिना इस गेम की विनर है ज्यादा लीड रही है सिर्फ 5 पॉइंट के डिफरेंस से आप हारे हैं 429 है आपका स्कोर नॉट बैड वेल प्लेड हिना वेल प्लेड आखिरी सवाल में जो आपने थोड़ा सेफ खेला लेकिन फिर भी आप जो है जीत गए मुकाबला क्विकली आपने मरियम नवाज का कुर्ता बनाया नवाज शरीफ साहब को बनाया कभी शहबाज शरीफ का नहीं बनाया वैसे नहीं जो कुर्ता था उस पर शहबाज शरीफ साहब भी थे वो इलेक्शन कैंपेन के लिए था और उसमें मियां साहब शहबाज शरीफ साहब मरियम बीबी तीनों सब थे चले क्विक क्वेश्चंस हैं लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं यस और नो में जवाब देना है और जल्दी जल्दी जवाब देना है मैं मरियम नवाज कैंप में हूँ एक ही कैंप है किसका PMLN नवाज शरीफ कैंप नवाज शरीफ एक नशा है मरियम औरंगजेब ने कहा था पार्लियामेंट में नवाज शरीफ एक नशा है नवाज शरीफ बिल्कुल आई थिंक एक नशा है ओके मैं मरियम नवाज की फैशन डिजाइनर हूँ नहीं मरियम बीबी अपना नहीं मैंने सिर्फ ब्रांड के PMLN के इलेक्शन कैंपेन से पहले किया था वो माशाल्लाह खुद अपनी बड़ी फैशन सेंस रखती है मरियम नवाज पर फिल्म बने तो वीना मलिक को हीरोइन होना चाहिए नो बिल्कुल भी नहीं ओके ओके यार अगर क्या फिल्म ये तो कौन सा सवाल है यस और नो कर रहे हैं मैं क्योंकि इंपोज थोड़ी कर रहा हूं नहीं नहीं ठीक है शुक्र है आपने फिर दो साफा को नहीं रख दिया नहीं अगला इंटरेस्टिंग है ना अगर फिल्म में मुझे मरियम नवाज का किरदार मिले तो मायूस नहीं करूंगी अगर नहीं आपको मिले मैं नहीं करूंगी नहीं करेंगी आप तो कर सकती हैं आप किरदार नहीं करेंगी या मैं मायूस नहीं करूंगी मायूस नहीं करेंगी ना हां किरदार करेंगी मायूस नहीं करेंगी ओके पीटीआई को सबसे ज्यादा नाअहल ऑपोजिशन मिली है बेहतर ऑपोजिशन हो सकती थी ओके तरीके आदम एतमाद का ऑप्शन अगर नाकाम हो गया तो इसके बाद इमरान खान से मिन्नत समाज का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग मार्च ओके महंगाई मार्च कल नवाज शरीफ सेलेक्टेड थे आज इमरान खान सेलेक्टेड है नवाज शरीफ पहले भी अवाम के वोटों से आए हैं मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे 3 दफा इमरान खान आज भी सेलेक्टेड है और आगे कभी सेलेक्ट नहीं होगा नहीं होंगे ओके शहबाज शरीफ मरियम नवाज से ज्यादा अकलमंद सियासतदान है शहबाज शरीफ इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ही इज डन अ लॉट इन पंजाब मरियम बीबी इज वेरी करेजस ब्रेव एंड वेरी पॉपुलर यस और नो में वैसे कोशिश करें अगर जवाब दें जो हमारा फॉर्मेट है तो ज्यादा आसानी हो जाएगी भाई वो सियासतदान है सियासी जवाब देंगे ना पार्टी को मुजाहमत के बजाय शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी चाहिए आई थिंक पार्टी जो अब पॉलिसी अपना रही है वो बिल्कुल अच्छी पॉलिसी है और मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है और वो दोनों का मिक्स है सो आई थिंक बट हमारा बयानिया वोट को इज्जत दो है तो वही बयानिया जो मरियम नवाज की मकबूलियत के सामने हमजा शहबाज का कोई मुकाबला नहीं नहीं हमजा शहबाज साहब जो है ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी अपनी मकबूलियत है ग्रास रूट लेवल पे ही इज वेरी पॉपुलर बट मरियम बीबी जिस तरह मैं वो कहा एक उनका Yes, no, जवाब नहीं आ रहे डिफाइंस और पॉपुलैरिटी एक जवाब भी yes, yes, no, में नहीं सियासतदान नवाज शरीफ 2023 के इलेक्शन से पहले मुल्क को वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह ओके okay, मैं पाकिस्तान सियासत की स्टाइल आइकॉन हूँ ये तो आप बता सकते हैं मेरी नजर में है आप बताइए फिर ठीक है होंगी ओके सियासतदान ना होती तो एक्टर या मॉडल होती नहीं फिर मैं डॉक्टर होती डॉक्टर मेडिकल परवेज इलाही उस्मान बुजार से बहुत अच्छे वजीर आला थे जी बेहतर वजीर आला था परवेज इलाही बैरो साहब आपकी बारी या सुनो में आप देखते हैं कि कितने जवाब देते हैं तन्हाइयां का सीक्वल नहीं बनना चाहिए था या सुनो नो नो बनना चाहिए था मतलब ओके
टीवी आसान है, रेडियो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो दोनों है यार, है दोनों मुश्किल। हाँ ये तो मैं सबसे ज्यादा अपना फेवरेट हूं। मैं सबसे ज्यादा अपना फेवरेट मैं माजरत चाहता हूं। नो ओके मैं मासूम शक्ल की वजह से अभी भी कम उम्र लगता हूं। नहीं, मैं कम उम्र हूं लगता क्या है? हाँ, ये माय मिस्टेक, बैड क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। आपा मैं यंग हूं वाकई। खानदान में जितने भी एक्टर हैं उनमें से सबसे बेहतरीन अदाकार जावेद शेख है। नो डाउट ओके। मतलब यंग जनरेशन में भी आप समझते हैं कि जावेद शेख साहब का जावेद शेख है ना, मुकाबला नहीं है ना, कोई मुकाबला नहीं है। सही। फिल्म में काम करके अंदाजा हुआ कि मेरा मीडियम टीवी और ड्रामा है। टीवी ड्रामा है? नहीं, नॉट नेसेसरी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिल्म में कोई ऐसा कभी नहीं मिला जो सिग्निफिकेंट हो। सही। और टीवी की वजह से जिंदा है, और मैं तो अपने जितने भी फेलो एक्टर्स हैं फ्रेटर्निटी, मैं उनसे यही कहूंगा कि टीवी ही आपको सारी जिंदगी जिंदा रखेगा। शहरोज मेरा बेटा ना होता तो इतनी जल्दी हिट ना होता? नो हो जाता है? ना वो अपनी सलाहियत पे कर रहा है जो कुछ कर रहा है। ठीक है, बेटा तो है मेरा, मेरी जान है, लेकिन वो एक्टर अपने हिसाब से। सही। लेकिन हमारे प्रोग्राम में वैसे शहरोज ने ये कहा था कि मुझे फायदा हुआ है कि मैं बहरोज सब्जवारी साहब का बेटा हूँ। उसकी वजह है कि वो बचपन से देखता रहा। हाँ, वो कहता कि मिलना जुलना इतने लोगों से होता है, जावेद और सलीम, और ऑब्वियसली फिर होता है ना, और बचपन से उसको शौक ही एक्टिंग का था जैसे जावेद को था। हाँ, बचपन से तो ये एडवांटेज हासिल होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन नेपोटिज्म का नुकसान भी होता है? नेपोटिज्म कह ले या फिर किसी स्टार का बेटा कहने का। देखिए, नेपोटिज्म हो तो नुकसान होता है। आप एक दफा, फॉर इंस्टेंस, शहरोज को मैं ले गया, शहजाद साहब डायरेक्टर हैं आप बहुत बड़े, यार मेरा बेटा है जरा इसको ले लो, परफॉर्म तो फिर उसने स्क्रीन पे करना है भाई। हाँ। और उसके लिए ज्यादा मुश्किल है, उसको हमेशा कंपैरिजन होता रहेगा अपने वालिद से या अपने रिश्तेदारों से। मनवाना जो है ना, जैसे शहरोज ने माशाल्लाह अपने आप को, शहजाद ने अपने आप को मनवाया, मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, मोमन ने मनवाया, तो अपनी सलाहियत पे मनवाया। सही। शहरोज मुझसे पूछे बगैर कोई ड्रामा या फिल्म साइन नहीं करता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने खुद डिसीजन लेता। बीवी के बाद मेरा दूसरा प्यार मेरी गाड़ी है, या पहला कर दूं उसको? देखिए, मैंने असल में चार शादियां जायज हैं। हाँ। इस्लाम में, और मैंने चौथी शादी पहले कर ली गाड़ी से। जी नहीं, बीवी से। अच्छा, तीन पहले की थी। हाँ, मकसद है चौथी पहले कर ली। चौथी पहले कर ली। आप समझ गई होंगी। मैं समझ गई, मैं सारी समझती हूं। तो गाड़ी वगैरह ये चीजें सब बीवी होती है यार। हाँ, इसीलिए मैंने दूसरा प्यार करा। नहीं, पहला मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। ड्रामे में ड्रामा बेमोल वफा में सास नुमा ससुर का किरदार करके बहुत मजा आया, बड़ा वैसे कमाल कैरेक्टर किया है उसमें आपने। बहुत शुक्रिया। वफा बेमोल और नहीं, मुझे मजा इसलिए आया, लोगों ने बहुत मुझे डांटा, ये क्या कर रहे हैं आप। हाँ। आपको ऐसा काम नहीं। मैंने कहा भाई ये तो काम है, कैरेक्टर तो इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग। शुक्रिया, थैंक यू। एमक्यूएम का बहुत बड़ा सपोर्ट था, मगर अब तौबा कर ली है। मैं कभी भी एमक्यूएम का सपोर्टर नहीं था, नहीं थे, और ना ही मैंने अभी तौबा की है। जो सच है, सही, जो सही लोग हैं, मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। मैं भी पाकिस्तानी हूं, इस मट्टी ने अल्लाह के बाद मुझे सब कुछ दिया है। अब इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है, मुझे ऐसा ही लगता है। हिरा, नवाज शरीफ इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है, अवाम की उम्मीद है। बाय इलेक्शन ने भी ये शो कर दिया, सारे इलेक्शन शो कर दिया। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर। ओके, चौथी मर्तबा नो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह। मेरी दुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब खैर से वापस आए तो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर, बहुत जल्द वापस आएंगे और इंशाल्लाह चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ओके, पीटीआई हुकूमत ना अहल जरूर है मगर करप्ट नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह है कि हर किस्म के लोग होते हैं हुकूमत में और हमेशा होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। करप्शन तो सराइयत कर गई है हमारे नस नस में, विद ड्यू अपॉलॉजी। लेकिन लीडर जो है वो सच्चा है, वो ईमानदार है आपके ख्याल। ओके, इमरान खान को चाहिए कि ऑपोजिशन को भूले और कारकर्दगी पर तवज्जो दे। इमरान खान को चाहिए कि ऑपोजिशन को भूल जाए और कारकर्दगी पर तवज्जो दे। नहीं नहीं,
वो दोनों तरफ देखें, दोनों तरफ देखें। ओके, जब तक पीपल्स पार्टी से छुटकारा नहीं मिलता तब तक कराची का कुछ नहीं हो सकता। नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी कराची में बहुत से काम किए हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन टोटली मेरे हिसाब से बहुत सी चीजें रह गई हैं जो नहीं कर सकती, जो हो सकती थी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बेरोज साहब जी। इन्हा से पूछो ये मेरे पैसे तुमने निकाले हैं, पूछे हैं तुम मुझसे जेलस हो ना, इत मेरे जैसे कितने पैसे थे आपके जो निकाल लिए हिना ने, ये क्या मांग लेती 350 रुपया निकाल लिए हिना ने, बगैर बताए मेरे पास। वो पेट्रोल आपकी हुकूमत ने महंगा कर दिया, उन्होंने कहा मैं आपसे ही वसूल करूं। अच्छा है ना, आप कोई बंदा छिड़क के खुदकुशी नहीं कर सकता ना, फायदा होगा इसीलिए महंगा किया आपने। हाँ जी, इसीलिए लोग खुदकुशी ना करें जी मुल्क में। देखें ये आपकी जो है दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, देखना चाहिए। बट बहुत बहुत शुक्रिया बैरू साहब, बहुत अच्छा लगा आप शो पर आए। हिना थैंक यू वेरी मच, लाहौर से स्पेशली आप हमारे शो के लिए आई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड वेल प्लेड वंस अगेन हिना। आज का मुकाबला 500 की दौड़ आप जीत चुकी हैं। कल नाज़रीन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।